जहां एक ओर भारत अपने हथियारों और मिसाइलों के जखीरे में बढ़ोतरी कर रहा है, वहीं भारत का पड़ोसी देश चीन भी कम नहीं है। चीन के एयरफोर्स के डिप्टी कमांडर वांग वी ने इस बात की घोषणा कर दी है कि उनका लेटेस्ट स्टेल्थ बॉम्बर H-20 एक्टिव ड्यूटी पर आने वाला है, जिसके बाद भारत के लिए खतरा बढ़ गया है। हालांकि चीन ने ये कदम अमेरिकी बम वर्षक के जवाब में उठाया है, लेकिन भारत की चिंता बढ़ना लाजमी है क्योंकि भारतीय सेनाओं के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, न ही स्टेल्थ फाइटर जेट्स को मार गिराने वाला कोई एंटी स्टेल्थ हथियार। H-20 स्टेल्थ फाइटर जेट में रडार की किरणों को घुमाने की तकनीक है। चीन अगर इस फाइटर जेट को अपने आसमान से उड़ाता है तो वो आसानी से भारतीय इलाके में घुसकर सीमा, एयरबेस, नौसैनिक अड्डों, संचार सेंटर्स या सैन्य अड्डों को निशाना बना सकता है। लगभग अदृश्य बम वर्षक का साइकोलॉजिकल असर सेनाओं पर ज्यादा पड़ेगा। H-20 बॉम्बर की कॉम्बैट रेंज 5000 किलोमीटर बताई जा रही है, यानी कि वो भारत के किसी भी हिस्से में हमला कर सकता है। भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि चीन के इस फाइटर जेट को ट्रैक करना बेहद मुश्किल है, इसलिए इसे पकड़ना मुश्किल है। ऐसे विमानों को पकड़ने और ट्रैक करने के लिए नए रडार सिस्टम की जरूरत है, जो भारत को विकसित करना होगा। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस सैम सिस्टम होना चाहिए। सिर्फ भारत ही नहीं, इस विमान से खतरा अमेरिका को भी है। यही नहीं, ये बम वर्षक अमेरिका का साथ देने वाले जापान, गुआम, फिलीपींस और कोरिया पर भी हमला कर सकता है।